मित्रों, हम बात करेंगे वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर। कई नास्तिक लोग कहते हैं कि विज्ञान की पुस्तकों में ईश्वर के बारे में कोई भी वर्णन नहीं आता, और कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो ईश्वर को मानता? कोई नहीं मानता। जब वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते तो हम क्यों माने उनको? हम प्रमाण सहित बताना चाहते हैं कि कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। अब आपका आस्तिक बनने का समय आ गया है। आप हट दुराग्रह को त्याग करके सत्य परमात्मा को जानें। आपके सामने प्रस्तुत है प्रोफेसर मेरिट स्टेनली कॉन्गडन, ट्रिनिटी कॉलेज फ्लोरिडा। इस गतिशील विश्व प्रपंच के लिए जो कार्य, कारणता, परस्पर संबंधता, संतुलन, संकोचन, संरक्षण, प्रसारण, गात, परिगात और क्रिया प्रतिक्रिया अपेक्षित हैं, और जो युग युगांतर तक चलती रहती हैं, वह बिना किसी बुद्धि के कैसे संभव है? यदि कोई बुद्धिमान सृष्टा न हो तो अपनी सृष्टि के माध्यम से और उसके अंदर कार्य करे तो ये सब क्रियाएं समस्त प्रकृति के अंदर कैसे जारी रह सकती है? इससे सिद्ध होता है कि फ्लोरिडा के प्रोफेसर साहब परमात्मा की सत्ता में विश्वास करते थे। आपका भी समय आ गया है उस परमात्मा को जानिए। उस परमात्मा को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पड़े। एक और वैज्ञानिक आपके सामने प्रस्तुत है, लॉर्ड केल्विन, महान वैज्ञानिक। यदि तुम काफी गंभीरता से विचार करो तो विज्ञान तुम्हें ईश्वर में विश्वास करने के लिए बाध्य कर देगा। यदि तुम काफी गंभीरता से विचार करो तो विज्ञान तुम्हें ईश्वर में विश्वास करने के लिए बाध्य कर देगा। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी। अपनी नास्तिकता छोड़िए और सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।